ओके तो हम यहाँ पर आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम, मतलब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो कि पेपरलेस आपका ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। मतलब कि ऐसी टाइप की पेमेंट जिसमें हमको यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, पेपरलेस ट्रांजेक्शन है, मतलब कि कोई भी पेपर वर्क के थ्रू यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि पेपर वर्क जो है वो रिड्यूस होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की हेल्प से। लेबर कॉस्ट भी यहाँ पर क्या होगा आपका, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम ऑनलाइन जो है वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है लेबर का कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी यहाँ पर क्या होता है आपका, कम होता है। आपका यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से यहाँ पर आपका टाइम जो है वो कम कंज्यूम होता है, एज कम्पेयर टू अगर आप मैनुअल प्रोसेसिंग करेंगे तो वहां पर क्या होगा आपका टाइम ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको कुछ मोड्स मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसको हम EFT के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्या होता है डेबिट कार्ड, किसी को पता है? मैम, ये डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ रहता है, और अगर हमारे उस बैंक में कोई अकाउंट है तो ही हमें ये प्रोवाइड करते हैं वो लोग। गुड। डेबिट कार्ड जो है वो आपका सेम क्रेडिट कार्ड जैसे ही होता है, एक स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होगा जिसमें एक यूनिक नंबर होता है। ये यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट नंबर से यहाँ पर ये क्या होता है, मैप किया जाता है, मतलब कि अटैच होता है यहाँ पर। डेबिट कार्ड लेने के लिए सबसे जरूरी है आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट होना, तभी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो मेजर डिफरेंस बिटवीन है अगर हम बात करें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, वो ये है कि आपका डेबिट कार्ड अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से जो है वो तुरंत यहाँ पर पैसा जो है वो कट जाता है। और अगर आप मान लीजिए 10,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 की शॉपिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, तो आपके अकाउंट में वहां पर एट प्रेजेंट जो है 10,000 होना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि डेबिट कार्ड से तुरंत आपका पैसा जो है वो वहां पर कट जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि वहां पर ये चीज नहीं होती है, वहां पर क्या होता है कि बैंक जो है वो उसको पे करता है, 10,000 जो है वो बैंक पे कर रहा है, और उसके बाद कस्टमर जो है वो मंथली जो है वो बैंक को क्या करता है वहां पर पे करता है। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या हो रहा है कि हम डायरेक्ट जो है इसमें क्या करते हैं यहाँ पर पे करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बैंक में, आपके अकाउंट में जो है सफिशियंट बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पर डेबिट कार्ड जो है, डेबिट कार्ड की वजह से यहाँ पर कस्टमर जो है वो फ्री रहता है कि वो यहाँ पर ना कस्टमर को कैश कैरी करना पड़ रहा है ना चेक कैरी करना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेबिट कार्ड के थ्रू जो है कस्टमर जो है वो फ्री है। यहाँ पर क्या होता है कि डेबिट कार्ड में आप देखेंगे तो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप एक दिन में जो है वो इतना ही जो है डेबिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर को जो है अपने स्पेंडिंग में, मतलब वो जहाँ भी पेमेंट कर रहा है उस हिसाब से उसको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि वो एक दिन में कुछ लिमिटेड ही ट्रांजेक्शन वो यहाँ पर, लिमिटेड अमाउंट का ही ट्रांजेक्शन वो यहाँ पर कर सकता है डेबिट कार्ड में। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका थर्ड, स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड का किसी को आइडिया है?
स्मार्ट कार्ड भी अगेन जो है आपका वो सिमिलर होता है डेबिट कार्ड के और क्रेडिट कार्ड के जैसा। ये भी आपका एक स्मॉल कार्ड है जिसमें यहाँ पर क्या होता है आपके स्मार्ट कार्ड में एक स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो इसमें लगी होती है। स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो आपके यहाँ पर स्मार्ट कार्ड में जो है एम्बेडेड होती है। इसमें क्या होता है कि इसके में क्या होता है यहाँ पर स्मार्ट कार्ड में कैपेसिटी होती है कि वो यहाँ पर क्या करता है स्टोर करता है कस्टमर की वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। स्मार्ट कार्ड में हम यहाँ पर वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्मार्ट कार्ड में हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। स्मार्ट कार्ड में हम यहाँ पर मनी स्टोर कर सकते हैं या आप यहाँ पर जब आप यहाँ पर इस कार्ड में अगर मनी स्टोर हो रहा है तो मतलब कि आपका अमाउंट भी यहाँ पर क्या हो सकता है डिडक्ट हो सकता है हर ट्रांजेक्शन पे। मतलब आप स्मार्ट कार्ड के थ्रू भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड जो है वो सिर्फ एक्सेस होता है पिन से। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा एक पिन आपको यहाँ पर मिलती है उसी से आप क्या कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड जो है वो आपका सिक्योर है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर जो आपका स्टोर किया जाता है लेस एक्सपेंसिव है यहाँ पर और उसका प्रोसेसिंग जो है वो फास्टर है। आप देखेंगे हम हॉस्पिटल्स में भी नेक्स्ट आता है यहाँ पर ई मनी। अगर हम ई मनी की बात करें तो ई मनी जो है वो आपका यहाँ पर जिसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पेमेंट जो हम करते हैं वो किससे किसके थ्रू कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं। मतलब आपका अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक फाइनेंशियल बॉडी से दूसरे फाइनेंशियल बॉडी पे। यहाँ पर किसी भी मतलब बीच में कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं एक फाइनेंशियल बॉडी से दूसरी फाइनेंशियल बॉडी पे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं पेमेंट अमाउंट को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है ई मनी ट्रांजेक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी हमारा काम हो जाता है बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत सा टाइम हमारा यहाँ पर बचता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट अगर करते हैं तो वो भी आप क्या यूज करके करते हैं मान लीजिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड। हम यहाँ पर आपको जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपसे यहाँ पर ऑप्शंस आपसे मांगता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू डेबिट कार्ड स्मार्ट कार्ड। तो आप उसमें क्या करते हैं अपने मान लीजिए डेबिट कार्ड से आप कर रहे हैं तो आप उसका पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पर डालते हैं उसका नंबर सारी चीजें आप वहां पर डालते हैं। तो वो आपका क्या हो गया यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड से कर रहे हैं तो वो आपका यहाँ पर ई मनी ट्रांजेक्शन का जो है यहाँ पर वो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ई मनी ट्रांजेक्शन मतलब कि पेमेंट जो हम पेमेंट करते हैं वो भी किसके थ्रू नेटवर्क के थ्रू जो है वो यहाँ पर आप यहाँ पर जो है मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन पेमेंट की अगर हम बात करें तो आपका ई मनी ट्रांजेक्शन का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो आपका होगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड। जैसे ई वॉलेट आता है तो ये सारी चीजों से आप क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है आप ट्रांजेक्शन करते हैं। उसके बाद लास्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपका यहाँ पर इसको आप शॉर्ट में ईएफटी भी कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है आपका एक पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है पेमेंट मेथड है यहाँ पर जिसमें क्या करते हैं आप मनी को ट्रांसफर करते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर मनी जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। और अकाउंट जो है वो आपका या तो सेम बैंक का हो सकता है या हम डिफरेंट बैंक के अकाउंट में भी हम यहाँ पर जो है फंड ट्रांसफर कर सकते हैं मनी ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका इंटरनेट बेस्ड ईएफटी है वो बहुत ही यहाँ पर पॉपुलर हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है वो क्या करता है, यहाँ पर मान लीजिए आपके बैंक का वेबसाइट होगा, आप उसमें मान लीजिए आपका कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक की वेबसाइट में आप क्या करेंगे, वहां पर लॉग इन करेंगे बैंक की वेबसाइट पे और अपना बैंक अकाउंट जो है वो रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे कि आपको सर्टेन अमाउंट जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर करना है ये वाले अकाउंट पे। अगर आपका यहाँ पर सेम बैंक है, अगर मान लीजिए दोनों जिसको भी आपको ट्रांसफर करना है उसका भी सेम बैंक है, तो आपका जो है अमाउंट जो है वो तुरंत यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर दूसरा बैंक है तो यहाँ पर क्या होता है, वो सबसे पहले आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड की जाती है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में, ACH हम उसे कहते हैं यहाँ पर, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में हम उसको यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपका अमाउंट जो है वो वहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है और जो है आपका अमाउंट जो है वो कस्टमर के अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। मतलब कि अगर आपका सेम अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वहां पर जो है आपका जो मनी है वो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर आपका दूसरा अकाउंट है, मान लीजिए एक का कैनरा है एक का SBI है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको मान लीजिए 5,000 ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपने रिक्वेस्ट अगर भेजी तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है आपकी वो फॉरवर्ड होगी ACH में, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में वो यहाँ पर ट्रांसफर मतलब फॉरवर्ड होगी और उसके बाद आप अपना अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर पाएंगे और कस्टमर के अकाउंट से जो है वो अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाता है। और उसके बाद एक बार अगर आपका अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो गया दूसरे अकाउंट में तो कस्टमर जो है वो वहां पर उसको नोटिफिकेशन आता है कि ये बैंक से आपका जो है अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। यहाँ पर हमने देखे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम 5 मोड्स थे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के, क्रेडिट कार्ड जो कि आपका स्मॉल प्लास्टिक कार्ड है जिसमें आपका एक मैग्नेटिक स्ट्रिप जो रहती है वो एम्बेडेड रहती है जिससे कि कार्ड रीडर जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड को रीड कर सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें जो है पेमेंट जो है वो बैंक करता है और जो कस्टमर है वो उनको मंथली पेमेंट साइकिल के थ्रू जो है वो वहां पर उसको रिटर्न करता है अमाउंट। डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड भी आपका क्रेडिट कार्ड जैसा स्मॉल प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक यूनिक नंबर जो है वो यहाँ पर मैप किया जाता है बैंक अकाउंट नंबर से। यहाँ पर अगर डेबिट कार्ड आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि हमारा पेमेंट जो है वो यहाँ पर हमारे बैंक से डायरेक्टली जो है वो डिडक्ट हो जाता है अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो। स्मार्ट कार्ड भी आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसा है, इसमें स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर जो है वो स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो एम्बेडेड होती है। इसमें हम यहाँ पर कस्टमर की वर्क से रिलेटेड और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हम स्टोर करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम मनी भी स्टोर कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। ई मनी की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं वो नेटवर्क के थ्रू हम यहाँ पर करते हैं, इसमें कोई भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऑनलाइन पेमेंट मतलब कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ई मनी में ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, तो ये आपका यहाँ पर ई मनी ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं मनी, जिसमें हम मान लीजिए आपको बैंक की वेबसाइट से आप लॉग इन करेंगे उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर करेंगे और वहां पर आप जो भी आपको जिस बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना है आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन वहां पर रजिस्टर करनी होती है। उसके बाद आप यहाँ पर रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं कि इतना अमाउंट हमको ट्रांसफर करना है, सेम अकाउंट है तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा और अगर दूसरा बैंक अकाउंट है तो
तो वहां पर सबसे पहले जो है आपका रिक्वेस्ट जो है वो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में फॉरवर्ड की जाती है और उसके बाद वहां पर आपका अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाता है कस्टमर के अकाउंट से।